बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। ये जो लेजर अकाउंट है इसका बैलेंसिंग करना है। कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 21,300, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है और माइनस करके डिफरेंस को लिखना है अप्रैल का लास्ट डेट। अप्रैल का लास्ट डेट है अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैश अकाउंट का बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,200, इसको अपोजिट साइड पे लेना है May 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,200। तो कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 21,300, इसको क्रेडिट साइड पे लिखा है 21,300 में से ये क्रेडिट साइड माइनस किया है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,200, इसको अपोजिट साइड पे लिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट जो है इसके लिए आपको लास्ट सेंटेंस दिया है, सम का लास्ट सेंटेंस, और 30th April 94 स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यू रुपीज 5,300। ऑन 30th April 94 स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यू रुपीज 5,300। तो ये जो सेंटेंस है, स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यू 5,300, इसके आगे लिखना है, ये सेंटेंस के आगे लिखना है इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट। इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट, ये आपका गुड्स अकाउंट का बैलेंस है। ऑन 30th April 94 स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यू 5,300। तो ये जो अमाउंट है 5,300, इसको आपको गुड्स अकाउंट में लिखना है। ये जो अमाउंट है 5,300, इसको गुड्स अकाउंट में लिखना है। तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 30, गुड्स अकाउंट क्रेडिट साइड डेट 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,300। तो गुड्स अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन 5,300, ये फिगर आपको सम के अंदर ही दे दिया है। स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यू 5,300, तो 5,300 रुपीज ये क्या है, ये आपका गुड्स अकाउंट का बैलेंस कैरी डाउन है। ये बैलेंस कैरी डाउन 5,300, इसको अपोजिट साइड लेना है May 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,300। तो गुड्स अकाउंट का जो बैलेंस है, गुड्स अकाउंट का बैलेंस 5,300, ये फिगर आपको सम के अंदर डायरेक्टली दे दिए। तो बैलेंस ऑफ द गुड्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ द गुड्स अकाउंट इज डायरेक्टली गिवन इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। सम के अंदर ही आपको गुड्स अकाउंट का बैलेंस ये डायरेक्टली दे दिए। अभी गुड्स अकाउंट जो है, गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल करना है। गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है। तो गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है, और माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसको डेट लिखना है अप्रैल का लास्ट डेट अप्रैल 30 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो व्हेनेवर आपका गुड्स अकाउंट का डिफरेंस, व्हेनेवर आपका गुड्स अकाउंट का डिफरेंस डेबिट साइड पे आएगा, आपका गुड्स अकाउंट का डिफरेंस आपका डेबिट साइड पे आएगा,
तो इसको आपको वर्ड लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुड्स अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड है 15,300, गुड्स अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 15,300, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है डिफरेंस को टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,200। तो गुड्स अकाउंट में लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,200। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे डेट 30 बाय गुड्स अकाउंट 1,200। गुड्स अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,200, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है क्रेडिट साइड बाय गुड्स अकाउंट 1,200। गोपाल अकाउंट का डेबिट साइड है 3,700, गोपाल अकाउंट का डेबिट साइड 3,700, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करना है और माइनस करके डिफरेंस को लिखना है डेट 30 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,500। गोपाल अकाउंट का डेबिट साइड है 3,700, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस किया है डिफरेंस को लिखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,500, ये बैलेंस को अपोजिट साइड लेना है May 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500। गोविंद अकाउंट, गोविंद अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, गोविंद अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 19,800, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है। गोविंद अकाउंट का क्रेडिट साइड है 19,800, डेबिट साइड माइनस करना है डिफरेंस को लेना डेट अप्रैल का लास्ट डेट अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 7,200। गोविंद अकाउंट का क्रेडिट साइड है 19,800, इसमें से डेबिट साइड माइनस किया है अप्रैल का लास्ट डेट अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 7,200, ये बैलेंस कैरी डाउन को अपोजिट साइड लेना है May 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,200। गोविंद अकाउंट का क्रेडिट साइड है 19,800, इसमें से डेबिट साइड माइनस किया डिफरेंस को लिखा है टू बैलेंस कैरी डाउन 7,200, अपोजिट साइड पे लिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,200। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड है 1,200, सेम डेबिट साइड पे लिखना है डेबिट साइड पे डेट अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 1,200, अपोजिट साइड पे लिखना है May 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,200। प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट साइड है 1,200, सेम डेबिट साइड पे लिखा है डेबिट साइड पे अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 1,200, अपोजिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,200। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है 14,600,
सेम डेबिट साइड पे लेना है, डेबिट साइड पे अप्रैल का लास्ट डेट अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 14,600, अपोजिट साइड पे लेना है May 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,600। कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है 14,600, इसको डेबिट साइड पे लिखा है, डेबिट साइड पे अप्रैल का लास्ट डेट अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 14,600, अपोजिट साइड पे लिया May 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,600। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द नेट ट्रायल बैलेंस। नेट ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 16,200, कैश अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,200, ये डेबिट साइड पे, तो इसको नेट ट्रायल बैलेंस में कैश अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिखना है। कैश अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,200, दिस इज ऑन द डेबिट साइड। गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन, गुड्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 5,300, ये भी डेबिट साइड पे है, तो इसको नेट ट्रायल बैलेंस में गुड्स अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिखना है। तो गुड्स अकाउंट का बैलेंस 5,300 इन द डेबिट कॉलम। गोपाल अकाउंट, गोपाल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1,500 ऑन द डेबिट साइड। गोपाल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1,500 ऑन द डेबिट साइड, तो गोपाल का बैलेंस डेबिट कॉलम में 1,500। गोविंद अकाउंट, गोविंद अकाउंट का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,200, ये क्रेडिट साइड पे, गोविंद अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,200, दिस इज ऑन द क्रेडिट साइड, तो इसको गोविंद अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखना है। गोविंद अकाउंट का बैलेंस 7,200 इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1,200, ये भी क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिस इज ऑल्सो ऑन द क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखना है 1,200। और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,600, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 14,600, ये भी क्रेडिट साइड पे, तो कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखना 14,600। फिर ये नेट ट्रायल बैलेंस का टोटल ये आपको इक्वल करना है, तो नेट ट्रायल बैलेंस ये आपका इक्वल आएगा 23,000। नेट ट्रायल बैलेंस जो है, नेट ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट ये आपका इक्वल आएगा 23,000। तो दिस वाज द बैलेंसिंग ऑफ द लेजर अकाउंट।